नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा बर्गर नूडल्स जूस हॉट एंड कोल्ड कॉफी तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। आखिर क्यों अपराधी बेलगाम है? आखिर क्यों अपराधी को जरा भी पुलिस का खौफ नहीं दिखता? आखिर क्यों अपराधी आपराधिक मामलों को अंजाम देते हुए पुलिस से नहीं डरते, प्रशासन से खौफ नहीं खाते? नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए आपको बिहार की 10 बड़ी खबरों से कराते हैं रूबरू। बताया जा रहा है कि यह घटना जकनपुर थाना अंतर्गत पश्चिमी जयप्रकाश नगर की है, जहां एक युवती की घर में घुसकर गला काट कर निशंस हत्या कर दी गई है। घटना की बाबत में बताया जा रहा है कि घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं वारदात की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी को नीतीश सरकार ने दिया एक और झटका। वर्तमान दफ्तर को दिया गया वापस। नीतीश सरकार ने उपेंद्र कुशवाहा को एक और झटका दिया है। बिहार सरकार ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यालय का अवधि विस्तार करने से मना कर दिया है। 20 साल बाद मिनी गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। मोकामा थाना क्षेत्र के मोर गांव में तकरीबन 20 साल से चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हो गया है। कई सालों से अवैध हथियार बनाने का व्यापार यहां फल फूल रहा था और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। पुलिस के लिए हैरानी तब बढ़ गई जब उन्हें कार्रवाई के दौरान यहाँ अर्ध निर्मित और निर्मित हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। फिलहाल इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है। रुपेश हत्याकांड में आरजेडी का सनसनीखेज आरोप। कहा मर्डर में सफेद पोष नौकर शाह हैं शामिल, जिन्हें बचा रही है नीतीश सरकार। पटना में हाई प्रोफाइल रुपेश मर्डर केस में पटना पुलिस भी फद्दी पीट रही है। मंत्री नीतीश कुमार अब तक 2 बार सार्वजनिक तौर से डीजीपी को सख्त फरमान दे चुके हैं, फिर भी पुलिस के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को एक बार फिर से डीजीपी को गुनाहगारों को गिरफ्तार करने का फरमान सुनाया है। इसी बीच रुपेश हत्याकांड का अब तक खुलासा नहीं होने पर राजद ने सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि इस हत्याकांड में सफेद पोष और नौकर शाह शामिल है, इसलिए सरकार मामले को दबाना चाहती है। किसान की बेरहमी से गला रेत कर हुई हत्या। औरंगाबाद से आ रही है खबर, जहां 40 वर्षीय किसान अरुण मेहता की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र का है, जहां ठाकुर बिघा गांव की है, जहां खेत में मृतक की लाश पड़ी हुई मिली। सुबह अपने घर से खेत में प्याज रोपने के लिए घर से कुदाल और राख लेकर खेत पहुंचे थे। वहां किसी अज्ञात ने किसान की गला रेत कर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई है कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। डीएसपी ने अकेले ही बालू माफियाओं को पकड़ा। खबर नालंदा से आ रही है, जहां बालू माफियाओं पर कहर बरपाने के लिए नालंदा पुलिस अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। बता दें कि डीएम योगेंद्र सिंह व एसपी हरि प्रसाद एस के निर्देश पर आज डीएसपी सदर डॉक्टर सिबली नुमानी ने बिहार थाना क्षेत्र स्थित नकटपुरा पेट्रोल पंप सघन छापेमारी अभियान चलाया, जहां पेट्रोल पंप पर पूर्व से बालू बिक्री के लिए लगी 11 अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया है। बिहार में मिले कोरोना के 168 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,94,049। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है।
इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 168 कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,94,049 हो गई है। बिहार में फिलहाल 3,219 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के डिग्री को पश्चिम बंगाल ने माना फर्जी, गोल्ड मेडलिस्ट को नौकरी से निकाला। पटना यूनिवर्सिटी के डिग्री को पश्चिम बंगाल ने फर्जी करार दिया है और देवाशीष पंडित पाल को नौकरी से निकाल दिया है। दरअसल पटना यूनिवर्सिटी के दूर शिक्षा निदेशालय से बिलिस और एम्बलिस करने वाले देवाशीष पंडित पाल यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। बिहार की बेटी भावना कंठ रचने वाली है इतिहास, राजपथ पर फाइटर जेट रफाल से देगी सलामी। इस साल का गणतंत्र दिवस बिहार के लिए बेहद खास होने वाला है। दरअसल वायु सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट और बिहार की बेटी भावना कंठ भी इस बार राजपथ पर दिखेंगी। बचपन से ही भारतीय वायु सेना में पायलट बनने की ख्वाहिश रखने वाली बिहार के दरभंगा की भावना कंठ गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में शामिल होने वाली है। एसपी की योजना में फंस गए साइबर ठग, स्थानीय थाने की पुलिस को भी नहीं मिली जानकारी। शेखपुरा साइबर क्राइम का गढ़ बनता जा रहा है। जिले में पुलिस कप्तान की योजना में फंसकर 5 साथी ठग पुलिस की गिरफ्त में आ गए। एसपी कार्तिकेय के दिशा निर्देश में हुए इस कार्यवाही को स्थानीय थाने की किसी पुलिस कर्मी को कोई जानकारी तक नहीं हुई और न ही संबंधित थाने से किसी पुलिस कर्मी को कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340 3717877 3250522।